गाइज, अगर आप लोग भी अपने एक ही मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ही वक्त में मुख्तलिफ ब्राउज़र को ऑन करना चाहते हो, स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करना चाहते हो, मल्टी विंडो का यूज़ करना चाहते हो, एक ही वक्त में मुख्तलिफ वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका बहुत ही कारामद हो सकता है आपके लिए। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी इन्फिनिक्स का मोबाइल है तो आप लोग किस तरह इन्फिनिक्स के मोबाइल के अंदर स्प्लिट स्क्रीन को ऑन कर सकते हो, तो मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट आया कि हमारे मोबाइल फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है, तो स्प्लिट स्क्रीन को हम किस तरह ऑन करें। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के मोबाइलों के अंदर यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन होता ही नहीं है तो वो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्मान शफीक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हम कभी कभार मुख्तलिफ ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं एक ही वक्त में, या फिर मुख्तलिफ वेबसाइट को यहाँ पर रन करना चाहते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, मल्टी व्यू ब्राउज़र। सही, मल्टी व्यू ब्राउज़र आपने इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने ये फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेना है। इसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। सही है, तो ये हर मोबाइल के अंदर वर्क करेगा इजीली। सही है, ओपन करते ही आपके पास यहाँ पर इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इस ब्राउज़र के अंदर आप एक ही वक्त में 6-6 वेबसाइट को ऑन कर सकते हो। सही है, अगर आप लोग एक ही वक्त में 6 वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये 3 डॉट्स का ये आपको नज़र आ रहा है, 3 डॉट्स का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस किस्म का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल व्यू, ट्रिपल व्यू, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है व्यू पैटर्न वगैरह, तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 6 व्यू, मतलब कि 6 दफ़ा मुझे यहाँ पर दिखाई दे। सही है, तो 6 ट्रिपल व्यू यहाँ पर मैंने किया, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आ गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एक ब्राउज़र के अंदर, मिसाल के तौर पर एक कोई भी चीज़ में सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यूट्यूब, तो YouTube मैंने सर्च किया। यहाँ पर YouTube मैं ओपन करता हूँ, ये आपके सामने YouTube ओपन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखें, पहले मैं YouTube ओपन हो चुकी है, दूसरे में भी हो चुकी है। सही है, तीसरे में भी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर YouTube को ओपन कर सकते हैं। ये ब्राउज़र उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जो कि अपना वॉच टाइम यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वीडियोज़ को वायरल करने के लिए। इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ वेबसाइट को एक दफ़ा में यहाँ पर ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप डबल व्यू पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर 2 व्यू आ जाएंगे। आप देखें कि डबल व्यू में ये आ जाएगा, आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर करते हो ट्रिपल व्यू पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने इस किस्म के यहाँ पर 3 पोर्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप 3 दफ़ा कोई भी वेबसाइट एक ही दफ़ा ओपन कर सकते हो, 3 दफ़ा जो आप करना चाहें, तो आप लोग 3 वेबसाइट्स को एक ही वक्त में चला सकते हो। ये आप देख सकते हैं आपके सामने चल रही है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली आप इसको रन कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।